संदीप कोई गर्लफ्रेंड है? क्यों नहीं नहीं? रखना भी नहीं। अरे अरे, ये जो आजकल डेट करते हैं लोग, इसका फंडा क्या है? तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई होंगे पे। हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। सो आई होप ये फरवरी में ही अपलोड हो जाए। सो एज यू ऑल नो, एक सेकेंड एक सेकेंड, एज यू ऑल नो दैट दिस इज द मंथ ऑफ लव एंड हमारा तो डिपार्टमेंट काफ़ी ख़राब चल रहा है इस मामले में। एंड आई हैव बिन सीकिंग एडवाइस, टॉकिंग टू पीपल, वॉन्ट टू नो देयर परस्पेक्टिव ऑन दिस फकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेटिंग। सो मैंने जस्ट आई जस्ट दिस थॉट केम इन टू माई माइंड, लेट्स जस्ट गो ऑनलाइन एंड टॉक टू पीपल एंड फाइंड इफ दे हैव एनी रेलिवेंट डेटिंग एडवाइस फॉर मी, बिकॉज आई रियली 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 वॉन्ट अ डेट सम रियली गुड गाइज, बट यह ना कुछ सीन बैठ नहीं रहा है। लाइक आई आई एम नॉट एबल टू फाइंड गुड गाइज, या फिर पीपल हुम आई यू नो वाइब विद। सो आई थॉट कि लेट्स गो ऑनलाइन एंड टॉक टू पीपल, मे बी दैट विल हेल्प, हु नोज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार, आई डोंट नो मच, लेट्स जस्ट डू इट। किसी के साथ मेरा मैच हुआ था बट दे स्किप्ड ऑन मी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नो हाय, नो नो, दिस इज होल बम्बल टिंडर अगेन। हाय हाय, you are from India? Yeah, I got it. Yeah, even where I are from, but which state you belong to? State you are saying? Yes, state. Delhi. आप? आपके पड़ोसी हैं आगरा। Oh okay, आजमल गए आप? ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, कई लोग नहीं जाते तो just confirm। नहीं, हम उनमें से नहीं है, हम जा चुके हैं। Oh nice. आई थिंक भारत की धरोहर है, उसको तो देखना बनता है ना। What is your name? मेरा नाम अजय है। अजय, और आप क्या करते हैं अजय? आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जाम्स। ओके नाइस, मुझे वो बैकग्राउंड देख के पता नहीं क्यों लग रहा था कि ऑलरेडी आप सीरियस क्लियर कर चुके हो। करके मतलब मान लो कभी कभी हो भी गया था, फिर हो गया। मैं आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट, ओके ओके, एंड रिसेंटली आई वाज मेडिकल आउट, तो चल रही है कहानी। ओके नाइस, व्हाट डू यू डू? आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट ट्रस्ट लोग पर, ये मतलब ट्रस्ट नहीं रहा किसी के ऊपर कि जिस बंदे को मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। और यही चीज है कि डेटिंग वगैरह ये सब सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। आप डेटिंग और लोग, लाइक यू हैव डेटेड एनीवन? नो नो ना, आई हैव, बट अभी फिलहाल पूरा फोकस मैंने स्टडी पे दे रखा है। सो कभी तो बाकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं है? हाँ एक्स है, एक्स एक्स है। एक्स एक है या बहुत है? नहीं एक ही है, क्योंकि एक ही से ही प्यार किया था, फिर किसी मोमेंट की वजह से फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। अभी फिलहाल पूरा फोकस मैंने स्टडी पे दे रखा है। सो हाँ टच में है, बट अभी रिस्टार्ट, अभी पैचअप नहीं किया अभी हमने। या सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? डेटिंग, मैंने तो बताया था कि आई जस्ट डोंट नो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। सो वी आर यूजुअली नॉट ऑन द सेम पेज, सो उस वजह से कभी गाड़ी आगे जाती नहीं है ज्यादा। Likely to meet those kind of person जिसे हम जानते हैं, mostly उन्हीं से हम ज्यादा वो करते हैं। Strange से तो कोई मतलब ही नहीं है। As I told you earlier कि trust is more, मतलब एक बुनियाद है किसी भी रिलेशनशिप। तो मैं टेंडर पे जो मिल रहा है उस पे कैसे ट्रस्ट करूं? नथिंग, कोई ट्रस्ट का मतलब ही नहीं है। पता है टेंडर पे भी सब एक ही मतलब के लिए आते हैं, एंड यू नो इट वेरी वेल कि वो मतलब क्या है, और उसका और से कोई, और उसके बाद कुछ नहीं है। बहुत स्ट्रेंज, बहुत ज्यादा
एक आध मिल जाएगा कोई कि हाँ कि हाँ किसी को ढूंढ रहा होगा टिंडर पे कि हाँ मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, पर बहुत कम है, -1% कह सकते हो है ही नहीं है। बच्चों के हाथ में ओमेगा कहाँ से आ गया भाई? हाय, क्या नाम है आपका? संदीप। इतना सोच के संदीप? नहीं नहीं नहीं। कहाँ से हो संदीप? गुजरात से। गुजराती बोल के दिखाओ। हो तुम गुजराती? यार गुजराती छो। ये तो मैं भी बोल सकती हूँ गुजराती छो। कुछ और कुछ बताओ। नहीं क्यों? अभी याद नहीं है। अच्छा यही बोल दो कि मैं ओमेगल पे टाइम पास कर रहा था। बोलो। हूँ ओमेगल ऊपर टाइम पास कर रहा हूँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में सूरत से। अच्छा तो संदीप कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्यों नहीं? रखना भी नहीं। अरे रखना भी नहीं भाई साहब, क्यों? ऐसे ही। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो क्या? कोई स्कूल बोल रहे हो तुम? हाँ 12वीं। नाइस। ये देख लो। हाँ अभी मैच चल रहा है वही देख रहा हूँ। तो तुम टीवी देख लो। हेलो हेलो हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। इंडिया। ओके, आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया। कैन आई सी योर फेस? कैन आई सी योर फेस? नॉट येट, सॉरी। हाय, कैन यू स्पीक? थैंक्स, कैन यू स्पीक? निकी मिनाज। या थैंक यू, you are a nice guy too. Yeah. Yeah, your smile is good. Jhakas. Baat kyun nahi kar rahe ho yaar koi? Hi. Hi. Hi, how are you? I'm good. India, right? Indian. You are Indian. Where are you from? Delhi. How old are you? You are from? Delhi. What you eat? Delhi. Oh. You work for BJP? खाना खाए तुम? खाया। तुमने खाया? हाँ खाए। Where are you from? चेन्नई। जानी वाली है। You know English, right? Chennai. You can speak in English. चेन्नई मालूम है तुमको? Yeah. मालूम? Yeah. तुम नंबर बोलो मेरा, मैं WhatsApp करेंगे। नंबर नहीं दे सकते। You are looking good. I don't know Tamil character. I look for character. You don't go for looks. Obviously, go for looks. Obviously, go for looks. Hi, hand. No. Sorry. Hi. Hi. Finally. How are you? Maybe a decent person. What is your name? Kunal. Hi Kunal. Mamta this side. So where are you from? Delhi. You? Gujarat. A lot of Gujaratis are online, I think. Yeah, because we are free this time. Everybody is free on Sunday at this time, yeah. So kya karte? No, we are BMS. Bachelor. Doctor. Ayurvedic doctor. Nice. यार मेरे को बताओ यार, हेयर फॉल का कोई इशू वो बताओ, सॉल्यूशन बताओ। वो तो अभी हर जगह है, वो मतलब लेमन ये सब भी आप ऐसे हेयर्स में यूज करोगे तो उससे वो काफी ये तक होता है, अच्छा रहता है। लेमन यू नो, क्या बोल रहा है? वैसलीन और बटर मिल्क का मिक्सचर हेयर में अप्लाई कर देने का। वैसलीन और बटर? बटर मिल्क छास। ओके बटर मिल्क बालों में? हाँ या भाई कॉट
कर्ड फिर या एलोवेरा है वो भी अच्छा होता है। अच्छा मुझे ये पूछना था कि गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड होती तो ये थोड़ी यूज कर रहा होता। अभी तो मैं एक भैया से बात कर रही थी, ही वाज मैरिड, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज ऑन ओमेगल। मैरिड मैरिड लोग क्यों यहाँ पे, मुझे वो पता नहीं चल रहा। फिर वो बोल रहे थे कि उनके दोस्त का फोन है, सो आई वाज लाइक नाइस कवर अप। सो दिस इज योर हॉस्टल? या नाइस। आप बताओ आप क्या कर रहे हो? आई एम एन एम्प्लॉई इन अ कॉर्पोरेट कंपनी, मेरा पढ़ाई हो चुका है। वैसे हाउ ओल्ड आर यू? 20। या तो मैं बड़ी हूँ आपसे। हाँ वो तो दिख रहा है। दर्द मतलब दर्द दर्द वैसे मतलब वो पे भी नहीं मैच्योरिटी में ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आजकल डेट करते हैं लोग, इसका फंडा क्या है? लाइक व्हाट आर द रूल्स, लाइक व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ डेटिंग? लाइक अगर किसी के साथ में डेट पे जा रही हूँ, then what is the like what are the things जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए? वो तो अभी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप मतलब कैसे पर्सन के साथ डेट पे जा रहे हो। मतलब ऐसा कुछ जेनेरिक रूल नहीं है कि टेक्स्ट नहीं करना है ज्यादा ज्यादा या फिर? हाँ वो तो सब होता है वो, मतलब एक डेट के बाद ऐसा 3 डे वाला रूल, फिर वो डेट में लेमन लॉ आपने सुना ही होगा। डेट में लेमन लेमन लॉ मतलब वैसा डेटिंग में ऐसा लॉ है कि कोई भी पर्सन को अगर डेट नहीं करना हो तो वो हमको फर्स्ट 15 मिनट में ही पता ड्यूरिंग डेटिंग, मतलब समझ लो आप किसी डेट पे जा रहे हो किसी पर्सन के साथ, 15 मिनट में ही पता चल जाएगा कि दोबारा डेट और फिर हाँ हाँ कि अब आगे आपको इसके साथ और कंटिन्यू करना है, तो वो ये लेमन लॉ है। फिर स्टैंडर्डली कोई भी स्टैंडर्ड आप 3 डेज तक वेट करना पड़ता है मतलब स्टार्टिंग में मूव करने के लिए, जैसे कि नंबर मिल गया आपको लेकिन टेक्स्ट करना है तो 3 डे रूल अप्लाई होता है। यार ऐसा क्यों होता है कि जब मैं इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ तो सामने वाला बहुत इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट दिखाती हूँ तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? वो तो होता रहता है अभी और क्या, इससे पूछो ना ये जो इतने जवाब दे रहा था बटर मिल्क और ये सब, इसके पास है कोई आंसर? वो तो कड़की चल रहा है उसका तो बंदी के मामले में। कॉलेज में सबका सेम हाल है, वैसे कॉलेज के बाद भी सेम ही हाल है। हाय 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 हाँ जी, Do you have a word of advice? फिर भी दिल्ली में तो बहुत ऑप्शंस होते होंगे ना? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब दिल्ली में भी नहीं है? नहीं हमें लगता था दिल्ली मुंबई में तो होगा ही होगा, भीड़ बहुत है लेकिन ऑप्शन कम है, मतलब क्वालिटी टाइप नहीं है। तो तुम लोगों की कोई बंदी बंदी नहीं रही है? मतलब ठीक है अभी चल रहा है जो है उसके साथ। जो है वो ठीक है, तो टाइम लगेगा बस, बाकी कुछ टाइम लगेगा अभी हमको। तुम लोग तो वैसे भी डॉक्टर बन जाओगे, फिर तुम लोग जब डॉक्टर बन जाओगे तब तो ऐसे ही रिश्ते की बारिश हो जाएगी तुम लोगों पे। वो सब तो ठीक है, फोर ईयर क्या करेंगे, अभी मेन तो 4 साल काम चलाना है ना, निकल जाएगा ये टाइम भी। डू यू फील फरवरी में ज्यादा बुरा लगता है सिंगल होने के लिए? क्या क्या फरवरी में ज्यादा बुरा लगता है सिंगल होके? हाँ वैलेंटाइन डे सारे कपल एक साथ और ऊपर से आप पहले रिलेशनशिप में फिर सिंगल हो गए ना तो ज्यादा दुख होता है फिर। हाई फाइव ब्रो, हाई फाइव। उसको भी बोलो वो भी दे दे, उसके उसकी भी लड़की के मामले में कड़की चल रही, तू भी दे। नाइस। वैसे ये लेमन लॉ वाला अच्छा था, हाँ आई रियली लाइक दिस टेक्निक। हाँ मैंने भी किया है डेटिंग लेकिन फिर बाद में वही सेम, फिर बाद में मतलब मजा नहीं आता है ना। हाँ मतलब इन लोग को कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। मेरा डेटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ठीक है मैं पहले 6 मंथ तो सिर्फ डेटिंग ही करता रहूंगा, मतलब पहले जो अननोन पर्सन होगा उसका से जानने का ट्राई करूंगा, फिर जानने का ट्राई करोगे मतलब टेक्स्ट वेक्स करोगे ना या टेक्स्ट भी नहीं करोगे? नहीं टेक्स्ट वेक्स सब मतलब एटीट्यूड में नहीं रहने का जो डेटिंग से पहले होता है। गुड गुड गुड। वो एटीट्यूड फेज हम क्रॉस कर चुके हैं अब डेटिंग में, फिर 6-7 months के बाद फिर ही मैं रिलेशनशिप में ये सब मजा आऊंगा, बाकी तब तो मेरा डेटिंग फेज ही चलता रहता है 6-7 months तक। गुड, समझदार हो तुम, डॉक्टर बनने लायक हो। वो उसने ये बोला ना कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा उसका? हाँ नहीं उसका तो कुछ ही नहीं हुआ है, वो ट्राई करना चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा है उसको। ये बन दिए लेकिन अभी इसका भी चल रहा है वो। हाँ उसकी जो क्रश है उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है।
ओह माय गॉड, छोड़ दे भाई, भूल जा, आगे बढ़ लाइफ में. कॉलेज में लड़कियां, डॉक्टर कॉलेज में लड़कियां कम ही होती है ना, तुम्हारे कॉलेज में कितनी? अरे बहुत होती है, यहाँ पे 40:20 का रेशियो है. अच्छा बदल गया. हाँ. इंडिया बदल गया क्या? मैं बोला ना क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं है. वो मैं बोली. भीड़ है बट ऑप्शन नहीं है. ये मैं यूट्यूब पे डालूंगी वीडियो, देखना तुम लोग. ठीक है. कौन सा चैनल है? ममता ठाकुर के नाम से है. ओके ठीक है, डालूंगी तुम दोनों. हाँ. और देखना तुम लोग, लाइक भी करना. हाँ, हाँ, ओके, ओके. और फिर हम लोग पैच में भी रहेंगे. ये तो आपका हो गया, ये दूसरा बंदा है. हाँ ये. हाँ तुम लोग तीन लोग है. रहते हो? नहीं नहीं, रूम में सिर्फ एक रूम में दो ही रहते हैं. okay. लेकिन अभी तो क्या, थोड़ा ये वैकेशन टाइप चल रहा है. अरे कोरोना है ये सब है. नहीं नहीं वैकेशन से चल, डॉक्टर में ऑनलाइन नहीं होता, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते. nice. इनका नाम क्या है? इनका नाम देवेंद्र. देवेंद्र. अच्छा, इन्होंने, इनकी गर्लफ्रेंड है, देख के तो लग रहा है. इनके पास बहुत है, इनके पास बहुत है. हम सिंगल है लेकिन इनके, इसके पास बहुत है. हम तीनों के हिस्से का ये लेके बैठा है. अंडरस्टूड. हमारे पास जैसे बहुत दोस्त है. ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. चलो अभी मैं जा रही हूँ, बाय. थैंक्स. हां ओके बाय. लॉ के लिए. हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली. आई एम फ्रॉम हरिद्वार. हाय. हिंदी आती है ना? हां हिंदी आती है अच्छे से. बढ़िया बढ़िया. कितने साल के हो? अपन पंजाबी. अबे यार चुप तो रह यार, तू बैंग बीच में बोलता रहेगा. अबे यार मेरी 17, आपकी कितनी लग रही है? 12 साल का है झूठा, 12 साल का है. यार चुप हो जा यार, मैं मैनेजर भी नहीं बैठता तेरे पास, तू परेशान ही करता रहता है. मेरी कितनी लग रही है? कितनी आपकी? मैं पूछ रही हूँ मेरी कितनी लग रही है. 25 शायद, 25 या 20 या 21. बड़ी 25 आज की नजर है. बड़ी जल्दी पहचान लिया. ये ज्यादा नहीं हो गया, आलिया भट्ट लग रहे यार. तो आप 12 के हो या 17 के हो? 17 के यार, सच्ची में लग नहीं रहा 17 का. मैं नहीं नहीं लग रहा. कितने का लग रहा? जितना उन्होंने बोला. 12 का लग रहा हूँ. 12-14 टाइप्स. यस. नहीं आपसे लंबा हूँ मैं. अब तू चुप रहा, इधर कर इधर कर. क्या देखेगा सर कर? चुप हो जा यार जिगरू यार, प्लीज यार चुप ना. मतलब एक लड़की के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में. क्या लड़की? दीदी. दीदी की उम्र गया मेरी. हाय हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली. दिल्ली? या इंडिया? या दिल्ली. वी आर फ्रॉम इंडिया. अंडरस्टूड. Yeah. Then Hindi. We are Telugu. You like Tamanna? Who Tamanna? Oh, my actor. Actor. Actor Tamanna. Samantha. Andava mama. Andava. Yeah. Why you guys are? You seems like Samantha. You know. I look like Samantha. Yeah. No, I don't. No. No. Hello. Hi. What do you do? Nothing. You? I also do nothing. Time pass. Hi. What are you doing? You look beautiful. Thanks. Girlfriend है तुम्हारी? Girlfriend नहीं, इसलिए इधर आया हूँ. अच्छा इधर time pass करने आया. Time pass पे. तो कभी date wait पे भी नहीं गया? Date wait पे जाते हैं, लेकिन ऐसा तुम्हारे दिल्ली के जैसा नहीं होता इधर date wait इतना. दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में तो मजे मजे. नहीं कौन फैला रहा है ये अफवाहें? ऐसा नहीं है. अफवाह नहीं है, तुम्हारा ही क्या बॉयफ्रेंड? नहीं है ना, तभी तो बोल रही हूँ कौन फैला रहा है ये अफवाहें. मजे ही मजे. तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई होंगे फिर. चुप, बिल्कुल चुप. इंस्टा पे हो क्या आईडी? नहीं इंस्टा पे नहीं हूँ यार, स्नैपचैट भी यूज नहीं करती. नेल पेंट लगा के बैठी हूँ. कौन नेल पेंट? नेल पेंट लगाने में क्या हो गया भाई? तैयारी में हूँ शादी की. हाँ हाँ, अभी कोई मंगलसूत्र लेके आएगा, मैं शादी कर लूंगा. अरे यार कुरियर करूँ क्या? नहीं नहीं कुरियर मत करना,
प्लीज वेस्ट हो जाएगा। हेलो आई एम पीयूष, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम? आई एम पीयूष। हाय पीयूष, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं गुजरात से हूँ। यू आर मैरिड? नो आई एम नॉट मैरिड। आर यू? या। यू मैरिड? या। ओके बट आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स राइट नाउ। I don't know why I said that. Sorry, what? I'm going through a divorce right now. Okay, you are going to divorce. Yeah. Is there an issue for divorce? Yeah, my husband, he's gay. Oh my God. Yeah. Are you housewife or doing yeah, job? Yeah, I'm a housewife. I am an engineer and working in a car manufacturing company. Na? Yeah. Do you date? Yes, I go. Okay. But no one is right now here. I am just right now feeling alone and want to do something. That's why I come here. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कितने साल हुए थे आपके शादी के? चार साल के बाद आपको पता चला he is gay. He came out to us few months back. मतलब एक साल से ही चल रहा है ये सब. Okay, okay, okay. मैं ये पूछ रही थी पीयूष, तुम्हें लगता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे कोई डेट करेगा? डेली में तो obviously करेगा ही कोई ना कोई तो. मिला नहीं मुझे बहुत टाइम से कोई. डेली में तो you can easily find out. भीड़ बहुत है, ऑप्शन कम है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तुम कर लोगे? मैं एक बात आपको बताता हूँ, मेरे को आप पहले है ना सिंगल लगे थे इसलिए मैंने आपको सिंगल बताया. मैं एक्चुअली आई एम मैरिड आल्सो. अच्छा यू आर मैरिड? अर्ली मैंने जल्दी बता दिया क्योंकि मैं झूठ बोलना पसंद नहीं, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया आपको. तो आपकी वाइफ कहाँ है? वो भी गई है उसके गाँव. तो आप ओमेगा चला रहे हो? अभी अकेला हूँ घर पे. तो उनको बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्या, मैं तो जस्ट ऐसे ही बात कर रहा हूँ. ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ. मैं कोई गलत काम थोड़ा कर रहा हूँ. तो आपको चलेगा क्या? वो ओमेगा चलाएगी तो चलेगा? अब गलत थोड़ा हम कुछ कर रहे हैं. अरे पूछ रही हूँ, वो चलाएगी तो चलेगा? सी एवरी हैव अ फ्रीडम ना फॉर लिविंग अ लाइफ. या सो मतलब वो चलाएगी तो चलेगा ना, यही तो पूछ रही हूँ. हाँ या ना बोल दो. हाँ कोई इश्यू नहीं, मेरे को कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो नहीं चलाएंगी मुझे पता है. क्यों नहीं चलाएंगी? उसको पता ही नहीं ऐसी चीजें और वो टाइम ही नहीं मिलता है उसको ऐसा. निकाल लेंगी वो टाइम. अरे ऐसा क्या अभी ऐसा कुछ नहीं है. हैप्पीली मैरिड? यस हैप्पीली. कैसे रहते हैं हैप्पीली मैरिड? थोड़ी टिप्स दे दो. अभी तुझे क्या करना, अभी तेरे खत्म ही करना, क्या करेगी? तो दूसरी शादी नहीं करूंगी. मैंने बोला सारी जिंदगी को. मैंने बोला ना, मैंने बोला ना तुझे एक ही चीज, एक ही सेंटेंस बोला. एवरीवन हैविंग अ फ्रीडम. अभी जिसको जो मर्जी करे वो लाइफ में कर सकता है, हम नहीं रोक सकते किसी को. नो डाउट हम एक दूसरे के वफादार होने मांगते हैं, लेकिन लेकिन सबको हक है. अगर मैं लड़का ये कर सकता हूँ तो लड़की शुड डू. ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती ऐसा. सॉरी मैंने आपका नाम नहीं पूछा, भूल गया यार. सॉरी इंद्राणी. इंद्राणी ओके ओके ओके. अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी मुझे कोई लड़का मिलेगा तो मुझे उसमें क्या देखना चाहिए? अच्छा तेरी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी मैच होनी चाहिए फर्स्ट. ठीक है. अरेंज मैरिज है तुम्हारा, लव मैरिज? वैसा करूं क्या? तुम्हारा अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? मेरा अरेंज मैरिज है. ठीक है. तुम्हारा क्वालिटी मैच हो गया था फिर अरेंज मैरिज में? हाँ मतलब हमारा 60% 70% जितना तो मैच कर रहा है. ओके मतलब लड़ाई करते हो तुम 30% लड़ाई करते हो तुम भी उससे? हाँ इसलिए बोल रहा हूँ 30% में लड़ाई आती है. ठीक है ऐसा है. तो बस एक ही चीज होनी चाहिए, क्वालिटी मैच हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि देयर इज नो इश्यू फॉर रिलेशनशिप. भरोसा, ऑनेस्टी, ये सब ना देखूं किसी में? क्या कुछ और ना देखूं? बस यही सब देखूं? कुछ कुछ और तुझे पहले थोड़ा देखने को मिलेगा था. ठीक है टाइम निकलेगा तभी तो कुछ और दिखेगी तू. या Hey, I am also India. Delhi. Andhra Pradesh.
ममता आंध्र प्रदेश ममता एपी एपी हाँ माय नेम इज ममता ओ ममता सतीश यू लुक ब्यूटीफुल बाय द वे थैंक्स व्हाट डू यू डू नथिंग नथिंग यू डोंट स्टडी नो आई एम मैरिड एक्चुअली आई एम मैरिड ऑल नाइस या हाउ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आई एम 29 ओके सिस्टर और आंटी हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती सॉरी की स्टॉप फॉर मी आई एम जस्ट किडिंग इट्स ओके वी स्टडी वी डू बीटेक कंप्यूटर साइंस ओ नाइस नाइस टुमारो आई हैव एग्जाम प्लीज ऑल द बेस्ट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स लाइक यू या यू आर सो ब्यूटीफुल सीइंग गर्ल्स लाइक यू इज एनफ टू पास द एग्जाम नो नो पढ़ना पड़ता है बेटा You are beautiful. Thanks, thanks. अरे बात कर रहा भाई. But I am an auntie also. What the what? You are an auntie also, right? You said. Oh, sorry for that. He is just kidding. Just kidding. We don't see very beautiful women like you. All are just skipping, seeing our faces and skipping. Thank you just for talking with us. You cannot speak. No. Hello. Hi. What's up? Thank you. What? Where are you from? India. Yes, I'm from India. Mm-hmm. Which your state? Delhi. Good. I am from Gujarat. आपका नंबर दे दो ऐसे कैसे दे दो चलो कोई बात नहीं ठीक है हाय कहाँ से कहाँ मैं गुजरात से आप कहाँ से हो दिल्ली क्या करते हो आप कुछ भी नहीं क्यों कुछ भी नहीं अच्छा नहीं ऐसे ही जॉब स्टडी कुछ नहीं नहीं पढ़ाई हो गई जॉब करने का मन नहीं करता अच्छा कहाँ तक पढ़ाई की है बारहवीं तक मास्टर डिग्री बारहवीं तक लग तो नहीं रहा ऐसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है मास्टर डिग्री करके बैठे हो आप थैंक्स बट बारहवीं तक ही पढ़ी हो क्यों ऐसा इंटरेस्ट नहीं था तो हाँ अच्छा अच्छा शादीशुदा हुआ सिंगल हो यस लड़की वड़की देख रहे हो हाँ अभी घर वाले देख रहे हैं शादी तो आपका है ना हाँ देख रहे लेकिन वो थोड़ा पसंद करे पहले घर वालों की पसंद होगी फिर बाद में मेरी क्यों रिसेंटली अभी 9 मंथ हुए मेरे फादर को देख हुई तो उससे शादी का क्या लेना देना शादी तो आपको करनी है ना हाँ मुझको करनी है लेकिन मेरी मॉम को जो पसंद आएगी उसको उसके बाद में मैं देखूंगा फिर मुझे लगेगा कि शादी करना उसके साथ सही है फिर करूंगा मैं शादी के लिए मिले हाँ एक दो लड़की से मिला हुआ कैसी लगी अच्छी थी लेकिन एज में बहुत डिफरेंस था छोटी थी हाँ बहुत डिफरेंस था इसलिए कितने साल के हो मैं 24 तो ऐसा कौन सा 12 साल की लड़की से शादी करा दी अब थोड़ी सेम एज तो होनी चाहिए ना यार एक दो साल का फर्क होगा तो चलेगा लेकिन 4-5 साल का तो ज्यादा हो गया इसलिए सेम लेवल के हो गए एज के तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में समझने के लिए गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ठीक है आपकी हाँ उससे शादी क्यों नहीं की गाने कुछ हो इंसान के कास्ट ओहो वैसे मैं मोमेडियन हूँ मुस्लिम तो वो क्या थी हिंदू तो कर देते लव जिहाद ऐसे कैसे करते थे यार दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती क्यों इंडिया में तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है जिहाद सही बात 6 साल का रिलेशन था ओ बाबा रे तो 6 साल पहले नहीं सोचा था कि मोमेडियन हूँ और वो हिंदू है क्या कर सकते हैं अब हो गया था उनकी शादी हो गई नहीं उनकी भी नहीं हुई तो फिर जब डेट करने जाते हो तो क्या देखते हो पर्सनालिटी इतनी मैटर नहीं करती लेकिन अंडरस्टैंडिंग है जो दोनों को एक दूसरे को समझ सके वैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए केयर होनी चाहिए पर्सनालिटी से पूरी जिंदगी थोड़ी बिताई जा सकती है पॉइंट वो तो आज है कल नहीं है सही बात तो उनकी याद नहीं आती अब आती है लेकिन क्या करें अब
तो फिर ब्रेकअप कैसे डील किया? रीजन यही था, रिलेशन के वजह से ब्रेकअप तो करना था। छोटे रहेंगे वो भी डेट किया ना। हाँ। बचपन का प्यार वो तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिर अभी वैलेंटाइन में अकेले नहीं लगेगा? लगेगा, क्या करेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, अंदर ही बैठे रहेंगे। सिंगल लोग वो क्या है, टीवी मोबाइल है, उससे दिन निकल जाएगा। सही है, कुछ कर तो सकते नहीं। अब हो गया तो हो गया, लाइफ में आगे बढ़ने कैसे बढ़ते हैं लाइफ में आगे, दिल पे पत्थर रख के और क्या कर सकते हैं। चल बस, बुलाएगा क्या? वैसे एक पॉइंट तो है, कोई कभी किसी के बिना मर नहीं जाता, उसके चले जाने से या कुछ भी होने से, वो सिर्फ बोलने के लिए बातें होती है। प्रैक्टिकली सोचने जाओ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा दिमाग से मूव ऑन करोगे तो हो जाएगा। अरे भाई तो अभी तो होता ना, मैं तो फिर टेक्स्ट कर देती हूँ ना, रात में मैसेज कर देती हूँ। मेरा बेस्ट पार्ट तो वही है, अभी तक उसको भूला नहीं, अभी तक मैंने उसकी चैट, अभी तक जो भी बातें की है मैंने, फोटोज, फोन नंबर अभी तक डिलीट नहीं किया। तो कब करोगे? वैसा का वैसा ही। अरे हिम्मत ही नहीं हो रही उसे डिलीट करने की। कब हुआ ब्रेकअप? कब हुआ ब्रेकअप? 1.5 साल हुआ। अभी बात बात आज तक कहीं कॉल नहीं किया उसका। कॉल 2-3 महीने में एक बार आ जाता है, उसको भी थोड़ी बहुत याद आती तो कर लेती है कॉल। उसके बावजूद कि उसकी एज हो गई, मेरे सेम एज की है वो भी। शादी की वैसे जनरल एज क्या रहती है? 21-22 के आसपास। मेरी अगर वो तुमको कैसी लड़की चाहिए अभी? बस केयरिंग होनी चाहिए, उसको बताओगे बातों को, समझने वाली होनी चाहिए। अरे बताओ ना। बताया तो सही। अरे नहीं, उसको बताओगे पहली वाली के बारे में? हाँ बता दूंगा, वो ऑनेस्ट रहना पड़ता है ना, बाद में कभी भी उसको पता चल गया बाद में, फिर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी, जब बीच में जो बॉन्ड बनी होगी उस वजह से वो कभी रिश्ता भी टूट सकता है इसके वजह से। तो नहीं, वापस तो नहीं लाना, बहुत हो गया। इन केस आ गई तो वो भी मैंने अभी तक सोचा नहीं क्या होगा क्या नहीं। सोचना, सोच के ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी थोड़ी, मेरे घर से वो 100 किलोमीटर दूर। ये लॉन्ग डिस्टेंस है? घर में उसके रिस्ट्रिक्शन बहुत थे मिलने के लिए। मैं वो अलग बात है, लेकिन जो सोचने जाओ तो भी लॉन्ग डिस्टेंस तो हुआ ना यार, मिलना कभी कभार नहीं होता था तो वो तो लॉन्ग डिस्टेंस ही हो गया ना। चलो आई होप तुम्हारी शादी अच्छी निकले आपको भी, फ्यूचर में ही फ्यूचर। ठीक है, बाय। थैंक यू, बाय। आमेन जाने जो व्हाट इज दैट? नो बी सेट मी, माय फ्रेंड इज, आर यू स्ट्रीमर? आर यू स्ट्रीमर? डोंट जोक। हां, are you streamer? No. Oh, where are you from? India. You? Me too. I can't see your face. Joker, he's Joker. No, he's cute. Where are you from? Darjeeling. Beautiful place. I'm from Delhi. Thank you. How old are you? I'm 18. Single. Yes. No girlfriend? Mili nahi koi? Finding girlfriend. Searching for girlfriend. Searching. I don't know that much English. You know Hindi? Yeah, I know. So I'm saying कि मिली नहीं कोई? नहीं नहीं, क्या करूं, हम लोग पैदाई क्या बोलते हैं, वो हैंडसम नहीं है ना। हैंडसम लड़की हैंडसम दिखती भी नहीं है, पता है? क्या दिखती है तो फिर? सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आप तो बहुत क्या बोलते हैं वो इंडिया तो नहीं आता है, वो अच्छी है। शुक्रिया। कॉलेज में? आर्मी में हूँ। किस में हो? आर्मी। तुम आर्मी में हो? कुछ भी अच्छा, नहीं जोक नहीं कर रहा हूँ। आर्मी में क्या हो? आर्मी में सोल्जर। किसने लिया तुमको? जोकिंग हो, मजाक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। आप कहाँ जा रहे हो? आर्मी में हलवा है ना। ओके ए थैंक्स,
थैंक्स ब्रो. Why are you praising me? Can you speak? Can you say something? Can you say a word? You speak Italian? Yeah, I understand you like Hindi songs. I'm saying, can you speak a little bit of any language you speak? Yeah. Oh, bas. ठीक है, इतनी तारीफ नहीं करने का. Hello. Hi. Hi. Delhi se. Where are you from? Delhi. My friend also from Delhi. I am Dubai. Allah baby. Teri hai. How old are you? 23. You looking like teacher. English teacher like looking. But laugh so hard. Hello. Hello. कैसे हो? आवाज नहीं आ रही. मैं भी कैसे हो? ठीक हूँ, बस मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा. क्यों? इतना ही दिख रहा है. पूरा चेहरा दिखा दोगे? लो. बेटर. मेरा फैमिली कैसी है? फैमिली जी बढ़िया है. आपकी? ओके. वो बेबी था क्या आपका साइड में? नहीं, मैं अकेला हूँ रूम में. नहीं. वाइफ कहाँ है आपकी? नहीं, अनमैरिड हूँ. अनमैरिड हो? मैं भी. अच्छा, मैरिज करनी है? हाँ, करोनी है. तो फिर क्या देख रहे हो लड़की में? क्यों ऐसे बात कर रहे हैं हम? पूछ लिया. ये शक्ल आधी क्यों दिखा रहे हो तुम? पूरी दिखा दो. लो. क्या मैंने क्या? मैं तुमने बोला था शादी की है. मैं हाँ शादी करेंगे. शादी करी हुई है? नहीं, अनमैरिड हूँ यार. तो फिर लड़की कैसी चाहिए? अच्छी चाहिए, खानदान चाहिए, वो फैमिली का ध्यान रखे जो. अच्छा अच्छा. और तुम जॉब वॉब करते हो? नहीं, स्टडी करता हूँ. क्या करते हो? स्टडी. तो फिर अभी कहाँ से मैरिज हो जाएगी अगर स्टडी करते हो तो? फिर क्या, मैरिड भी स्टडी कर रही है लगते हैं. और फिर फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे? सब हो जाता है हमारे पास. कैसे हो जाता है बताओ मेरे को? कमाल होगी, स्टडी भी करी जो, फैमिली भी संभाली जो, सब हो जाता है. कैसे हो जाता है? खर्चे कैसे होंगे? कमाल होगी, खेती बाड़ी में सब हो जाता है. खेती बाड़ी करते हो? जी हाँ. कितने खेत हैं? कितने खेत हैं? कितने खेत होते हैं? लगे 7-8 किले. बढ़िया है सर, तभी हो जाएगी पढ़ाई और शादी साथ साथ. आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं वैसे तो हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी जो फैमिली है वो दिल्ली रहती है. ये शक्ल आधी दिखाने का क्या क्या लोगे पूरी दिखाने का? लो. गुड. मैं ना आता आया था. फिर वही हरकत. मुझे आता आया था. मुझे क्या लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो रखी है? क्यों, तुझे क्या लग रहा है? तुझे क्या होता है? अभी हम पहली बार बात कर रहे हैं ना, तुम बोलो. तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसे कि मेरी शादी हो चुकी है? और ऐसे लग रहा है? मेरी एज कितनी होगी तुम्हारे साथ पूछने के बाद? 26 साल के लग रहे हो. नहीं, बहुत कट एज है. क्या फिर 18 साल के हो क्या? नहीं, 20. क्यों लगता नहीं? नहीं, झूठ बोल रहा ना, पागल बना रहे हो. नहीं नहीं, आधार कार्ड दिखाओ. रिश्ते की नींव सच्चाई पे रखी जाती है. मेरी बात सुनो. यार अनमैच करा देगा तू. चल मेरी बात सुनो. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर. बोलो. हाँ हाँ बोलो. मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है? 1998. 1-10-2001. मन लिया. मैं आधार कार्ड दिखा दूं? पर्स में है. मैं नहीं देखूंगी. दिखा दे. तो नहीं, तुम्हें नहीं दिख. एक चल, एक मिनट, तुम नहीं दिख. मेरे को सब पता है. मेरी क्या बात है? अरे फिर तुम नहीं देखना वो तुम्हारी बेटी. ठीक है, क्लियर कर देती हूं. मेरे को थोड़ी तमीज वाले बंदे पसंद है. मैं ऐसे बात नहीं कर सकती. ओहो, मैं भी सुकार से बोल रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं. ठीक है, नहीं तुझे कोई. अभी हम इतने अच्छे दोस्त नहीं हो गए ना कि तुम तू कर लो. अभी अभी हम तुम पे बात करेंगे. ठीक है,
अच्छा पहले तो शक्ल दिखाओ पूरी, तुमको फोन पकड़ना नहीं सिखाया किसी ने? तुम उसका दो ना मैं तो मरती रह जाऊंगी, 10 बार बोल चुकी हूँ तब भी फोन ऐसे पकड़ा हुआ है तुमने। मैं तो फोन ठीक है, बैटर फोन भी नहीं ठीक है। बैटर ओके। और क्या करते हो तुम? मैं तो कुछ नहीं करती, स्टडी वगैरह। 12वीं के बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। अच्छा क्यों, आगे क्यों नहीं पढ़े? मन नहीं लगता था मेरा पढ़ाई में। क्यों? तुम क्या पढ़ते हो? मैं आईटी करता। आईटी? आई आईटीआई। ओ बड़ा दिमाग का काम है जी, मेरे तो नहीं होता दिमाग। नहीं दिया एनी शक्ति हार गए ना ना। 12वीं के पेपर बाद मैं सोच लिया कि मेरा हस्बैंड ही कमाऊगा, मैं मेरे तो नहीं हो पाएगा ये सब। मैं घरे बैठ के खानी है, बस घरे बैठ के खानी है रोटी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल घरे बैठ के रोटी खानी है ते बहुत ज्यादा काम है। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थोड़ी जी उन्ती? तो फिर आप तो चलता सी है। वो कुछ लोग होंगे ना चीटर चूटर टाइप। नहीं होई नहीं, अच्छे नहीं चाहिए और कदर करने वाली है। कदर करने वाली? कदर किवें करदे ने? दुख सुख वेले साथ देवे और हर गल बनने। जो हर गल बनने जे ते ताड़ी ते दो हाथ ना बजनी है। ठीक है ते इस दा मतलब ए थोड़ी है कि 24 घंटे बस हां दे हां मिलांदी जाए। तलाय किदे नया ना भी हो जाती है, बाकी ऐसे दा नहीं होता कि हर बात में ना ही होएगी। फिर तो नहीं चलेगा ना, हर चीज पे ना बोलेगी तो कैसे चलेगा? जैसे तुमने मुझे टोका कई बात में, मैं रुका। वो तो तुम्हारा नेचर है ना, वो तुम्हारा नेचर है, ये मेरा नेचर है ना। अब तुम्हें मेरे जैसे थोड़ी बनना है, बात माननी भी पड़ती है। अच्छे हो ना तुम इसलिए। और कुछ नहीं यार, अब मैं जाती हूँ, मेरे को ना बहुत काम है। अच्छा रखती हूँ मैं, ठीक है? अच्छा नहीं लगे? हाँ अच्छा नहीं लगे। मैं तो नहीं बोलिया मैंने अच्छा नहीं लगे, हूँ रोटी ना बनावा मैं। तो फिर कैसे मिलेंगे हम? डेस्टिनी मिलाएगी सानू। बाय। क्यों इतनी जल्दी? नहीं मैं बड़ी देर से टाइम पास कर रही थी, फिर उसके बाद अब मेरे को रोटी बनानी है। फिर कैसे मिलेंगे? मैंने बोला ना डेस्टिनी मिलाएगी। ये ना मिला पाई तो फिर? तो तेरी शादी हो जाएगी। कि मेरी शादी ना हुई तो फिर? तो फिर मिल ही जाएंगे, पका मत मेरे को। ऐसे को बात तो कर लेंगे करेंगे। नहीं क्यों, वैसे भी तुमने 3 बार तू तू बोल दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया। चलो सॉरी, माफ किया मैंने। बाय। So I was shooting from 3 hours. I don't know ये कितना लंबा वीडियो बनने वाला है, बिकॉज आई हैव सम रियली फनी रिस्पॉन्सेज, बट अगैन आई हैव टू गो थ्रू दिस 3 hour का फुटेज अगैन, सो इट विल टेक सम टाइम एंड इट वॉज टू मच यार, माई एनर्जी इज टोटली गॉन। लाइक इतने सारे लोगों से ऑनलाइन बात करके ना मैं ऐसे हो गई हूँ कि थक गई हूँ मैं बहुत इंटरेक्शन हो गया मेरा 1 महीने के लिए। सो या इट वॉज फन, इट वॉज नाइस। आई होप यू एन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड I'll see you next week. And if you like this video, don't forget to leave your sweet fucking comments in the comment section. And I'll see you next week. Bye.